हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को इसको पढ़ने में कई बार दिक्कत आती है, तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनका ड्यूअल नेचर होता है उसको हम डिस्कस करेंगे और ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है किस तरह से हेल्पफुल हुआ, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने के, एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने में किस तरह हेल्पफुल हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तक की हमारी जर्नी में हमने डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ लिए, उसके बाद जे जे थॉम्सन और रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल थे वो हमने डिस्कस कर दिए। सबसे लेटेस्ट जो मॉडल हमने डिस्कस किया था वो रदरफोर्ड का डिस्कस किया था। रदरफोर्ड के मॉडल में हमने क्या कहा था, हमने कहा था जी कि एक उस रदरफोर्ड ने कहा था एक न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की। ये बात अब तक हमने रदरफोर्ड के मॉडल में पढ़ ली थी, पर रदरफोर्ड के मॉडल में दिक्कत कहां आ रही थी, वो स्टेबिलिटी नहीं बता पा रहा था, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को डिस्कस नहीं कर पा रहा था, उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा था, जो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी है उसके बारे में वो बात नहीं कर पा रहा था। न्यूक्लियस उसने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया, न्यूक्लियस को उसने बहुत अच्छे से बता दिया जो आज तक ठीक चल रहा है, पर जो इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी के बारे में वो अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, हमारी जर्नी में जो एटम की डिस्कवरी हुई, स्ट्रक्चर की, एटम के स्ट्रक्चर की जो डिस्कवरी हुई उसकी जर्नी में आगे क्या हुआ। आगे हमारे पास भाई साहब एक साइंटिस्ट आते हैं, नील बोर, साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास नील बोर। नील बोर भाई साहब क्या थे, वो भी एटम के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से इंटरेस्ट ले रहे थे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है कैसा नहीं, उसमें बहुत अच्छे से इंटरेस्ट ले रहे थे। तो उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को देखा, रदरफोर्ड के मॉडल में उन्होंने एक जो दिक्कत थी कि स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की जो स्टेबिलिटी है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एटम के अंदर किस तरह से होता है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं उस चीज को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले किया कि भाई साहब साइंटिफिक कम्युनिटी में और भी आसपास बहुत सारी स्टडीज हो रही है उनको पहले पढ़ते हैं, उनको रिलेट करने की कोशिश करते हैं एटम के साथ, उन आसपास बहुत सारी स्टडीज हो रही है उनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज उन्होंने पढ़ी, जो सबसे पहली चीज जिस पे उन्होंने स्टडी की, उन्होंने की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे। नील बोर ने पहले सबसे पहले स्टडी किया कि अगर मेरे को एटम का स्ट्रक्चर देना है, अगर मुझे एटम का स्ट्रक्चर देना है तो मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़नी पड़ेगी। तो उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का क्या नेचर होता है, वो किस तरह से होती है, उसके बारे में स्टडी करना शुरू किया। उसके बाद उसने कहा कि उसके बाद मैं एटम पे आऊंगा, उसके बाद मैं एटम की बात करूंगा, पहले मैं एक बार बेसिक तो पढ़ लूं, आसपास जो डिस्कवरीज हो रही हैं और जो डिस्कवरीज हो रही हैं उनको मैं कैसे रिलेट कर सकता हूं अपने इसके एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी में, वो कैसे रिलेट कर सकता हूं वो मैं एक बार देख तो लूं। तो इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टडी करना शुरू किया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टडी करने के लिए सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिफाइन किया गया था वो किया था मैक्सवेल ने। तो सबसे पहले उन्होंने किसको स्टडी किया, मैक्सवेल को, मैक्सवेल को सबसे पहले उन्होंने स्टडी किया। मैक्सवेल क्या कहता था, मैक्सवेल ने क्या स्टडी की, मैक्सवेल ने क्या थ्योरी दी, उसने कहा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में होगा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन में है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर होता है, ये मैक्सवेल ने कहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर होता है, ये हमें किसने कहा, मैक्सवेल ने, और कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब भी एक्सेलरेशन में होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा और उनका वेव नेचर होता है। तो इलेक्ट्रॉन, अगर रदरफोर्ड की बात की जाए, इसको अगर अब रिलेट करने की बात करोगे, इसको रिलेट कैसे करेंगे, तो अगर मैं रदरफोर्ड की बात करूं, रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो चारों सर्कुलर मोशन में ऑर्बिट में घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो कोई भी बॉडी हो, कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में घूमता है तो वो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन पे होता है, ये बात हमें पता है। कोई भी पॉइंट जब सर्कुलर मोशन में घूमेगा, कुछ भी हो, कोई भी बॉडी हो, चाहे वो चार्ज है चाहे नहीं चार्ज है, वो एक्सेलरेशन में होगी। यहां बात इलेक्ट्रॉन की कर रहे, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होता है, तो यहां से बात उसको नील बोर ने कहा, यहां से मैं रिलेट कर सकता हूं इस चीज को। मैक्सवेल ने कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा, उसका वेव नेचर होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट, ठीक है, ये बात होगी क्लियर। ठीक है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसने कहा कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की फॉर्म है जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है
जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। बात समझ आई कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड को लेकर साथ चलती है। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट से बनी हुई है। एक एनर्जी की फॉर्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ नहीं है, एक एनर्जी की फॉर्म है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई है। और ये कब निकलती है? जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल उसको अगर एक्सेलरेशन देंगे हम तो वो रेडिएशन निकालेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे होती है? वेव नेचर है उनका, और उसके एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी एक तरह की एनर्जी है, सिर्फ और कुछ नहीं, एक तरह की एनर्जी है जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ऐसी एनर्जी जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर, यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी है, ये एनर्जी चलती किस तरह से, प्रोपोगेट किस तरह से करती है? मैक्सवेल ने कहा कि जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इस तरह से चलती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में परपेंडिकुलर चलते हैं। समझिए इस बात को कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो चल रही है, अगर वो इस तरफ चल रही है, इस तरफ चल रही है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपस में 90 डिग्री का एंगल बना के चलेंगे, जाएंगे दोनों इसी डायरेक्शन में, जा इसी डायरेक्शन में रही है पर आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक इस तरफ जा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस तरफ जा रही है एक्स एक्सिस की तरफ, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस तरफ ट्रेवल कर रही है, रेडिएशन इस तरफ ट्रेवल कर रही है, तो जो उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगा, जो उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगा और जो उसका मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा, वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ, और इस तरह से वो ट्रेवल करेंगी। अगर एक इस तरफ से जा रही है, इस तरफ जा रही है वेव, ठीक है, अगर ये वेव इस तरफ जा रही है तो दूसरी जो वेव होगी वो जाएगी उसके 90 डिग्री के एंगल पे। अगर ये वाई एक्सिस है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी जेड एक्सिस में। ठीक है बच्चों, समझिए, अगर इलेक्ट्रिक इस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में चलेगी और 90 डिग्री के प्लेन में चलेगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड, आपस में दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इस तरह से वो वेव ट्रेवल करती है। ये मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो आपस में जो कॉम्पोनेंट है वो आपस में हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलरली कैरी करते हैं, परपेंडिकुलरली चलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगी, इस प्लेन में जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में जाएगी। ठीक है, ये चीजें मैक्सवेल ने कही। ठीक है, और उनका अब बात करते हैं कि ये तो उसकी प्रोपोगेशन बता दी, इस तरह से प्रोपोगेशन होती है, और क्या क्या चीजें मैक्सवेल ने बताई कि मैक्सवेल ने और क्या क्या चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताई जो उसने नील बोहर ने स्टडी की, उनको आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं कि आगे मैक्सवेल ने क्या कहा। ये बात तो हमें समझ आ गई कि जो प्रोपोगेशन है वो परपेंडिकुलर चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेशन चल रही है, परपेंडिकुलर चल रही है। दूसरी चीज उसने कही, उसके बाद उसने अगली चीज उसने कही कि उन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए, बिना मीडियम के वो चलती हैं, नो मीडियम रिक्वायर्ड, उनको चलने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। उसके अगली बात उसने ये कही कि कोई भी मीडियम उसको नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद उसने अगली बात हमारे पास कही, उसने हमारे पास अगली बात कही कि जी लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, ये भी उसी ने स्टडी की, मैक्सवेल ने ये चीज एस्टैब्लिश की। ठीक है, अब अगली बात जो उसने कही, अगला उसने रिलेशन दिया कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो, ये रिलेशन उसने दिया लैम्डा, जो स्पीड है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जो स्पीड है वो होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या होता है, कोई भी अगर वेव है, कोई भी अगर वेव है उसका जो क्रेस्ट होता है, जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, इसके और इसके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैम्डा, इसके और इसके बीच को हम बोलते हैं वेवलेंथ। उसकी लेंथ कितनी है, वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ, वेवलेंथ की यूनिट होती है हमारे पास मीटर। ठीक है, मीटर। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सेकेंड में कितनी वेव ट्रेवल की उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी म्यू, इसकी यूनिट होती है पर सेकेंड, पर सेकेंड या हर्ट्ज, पर सेकेंड या हर्ट्ज। लैम्डा की यूनिट होती है मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर के बारे में उसने ये सारी स्टडी की, जो नील बोहर ने बाद में पढ़ी कि हाँ ये चीजें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में होती हैं। ठीक है, उस टाइम पे तो सिर्फ लाइट थी, कुछ
नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती थी, पर अब धीरे धीरे स्टडी करते हो आज के टाइम पे हमारे पास पूरा स्पेक्ट्रा आ चुका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूरा स्पेक्ट्रा आ चुका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रा पूरा का पूरा किस तरह से होता है वो देखते हैं एक बार। तो बच्चों ये हमारे पास पूरा स्पेक्ट्रा है, आज के टाइम पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूरा स्पेक्ट्रा है, गामा, एक्सरेज, यूवी, छोटा सा विजिबल रीजन, आईआर, माइक्रोवेव और रेडियोवेव, इस तरफ वेवलेंथ इंक्रीज होते हुए 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की रेंज को हम कहते हैं विजिबल रीजन, जो हमारा विबक्योर है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये तो सारी स्टडी थी हमारे पास मैक्सवेल की, जो उसने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी होती है, जो चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेशन में जाता है उससे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकलती है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है तो उनका वेव नेचर होता है, वेव नेचर में उसकी वेवलेंथ होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है और जो स्पीड है सी इक्वल्स टू म्यू लैम्डा होता है, सी स्पीड होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये हमारे पास पूरा स्पेक्ट्रा, ये पूरी मैक्सवेल की स्टडी थी। ठीक है बच्चों, यहां तक तो बात खत्म होगी वेव नेचर की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर की। ठीक है, अब आगे बात होती है, अब आगे क्या बात होती है हमारे पास, तो बच्चों यहां तक तो वेव नेचर के बारे में डिस्कस कर लिया गया, मैक्सवेल ने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो वेव नेचर की होती हैं, पर जैसे जैसे साइंटिफिक कम्युनिटी में स्टडीज बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे साइंटिफिक कम्युनिटीज में स्टडी बढ़ती जा रही थी, कुछ ऐसे फिनोमेनन आए, जैसे रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज या ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो वेव नेचर से डिफाइन नहीं हो पा रहे थे, वेव नेचर से उनकी स्टडी को डिफाइन नहीं किया जा पा रहा था, यहां पे साइंटिस्ट कंफ्यूज हो रहे थे कि जब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप वेव नेचर में बोल रहे हैं तो ये फिनोमेनन भी तो हमारे पास आ रहे हैं, ये फिनोमेनन क्यों आ रहे हैं हमारे पास, ये कैसे आ रहे हैं, वेव नेचर है तो क्यों आ रहे हैं, ये चीजें क्यों नहीं हम समझा पा रहे हैं, वेव नेचर होने की वजह से उसको चीजों को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं कि ये चीजें हैं क्या, ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में क्या क्या होता है जो वेव नेचर से नहीं डिफाइन किया जाता, उनको बारी बारी स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट या रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी। ठीक है, अब क्या हुआ समझिए, जब साइंटिस्ट, एक तरह तो मैक्सवेल की थ्योरी चल रही थी, मैक्सवेल की थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की चल रही थी कि वो वेव नेचर है, उसने अच्छे से डिफाइन किया हुआ था, लाइट को भी उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बता दिया था, ये चीजें अच्छे से चल रही थी, पर साइड बाई साइड साइंटिस्ट जो फिजिस्ट थे, जो फिजिक्स की स्टडी कर रहे थे, उन्होंने और भी स्टडी साथ में शुरू की है, उन्होंने देखा कि जब कोई बॉडी, कोई भी बॉडी है हमारे पास, कोई भी बॉडी है हमारे पास, जब उसको हम हीट देते हैं, जब उसको हम हीट देते हैं तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, जब उसको हमने हीट दी, हीट की रेडिएशन दी, ठीक है, तो कुछ पार्ट जो है, कुछ रेडिएशंस को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस छोड़ देता है, उनको एब्जॉर्ब नहीं करता है, कुछ को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ हीट रेडिएशन को वो, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वो ट्रांसमिट कर देता है, कुछ को वो ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है बच्चों, क्या उन्होंने क्या स्टडी किया कि जब कोई किसी भी बॉडी को अगर हम हीट देते हैं, उसको अगर हम हीट करें तो कुछ रेडिएशन वापस निकल रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ ट्रांसमिट हो जाती है, ये एक नॉर्मल चीज थी। ठीक है, जब इस चीज को स्टडी करते हुए उन्होंने एक इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ पे, उसको अगर ग्राफ पे स्टडी किया, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ पे स्टडी किया कि जब किसी बॉडी को हीट दे रहे हैं, किस वेवलेंथ, जो कौन कौन किस वेवलेंथ की कितनी इंटेंसिटी निकल रही है वहां से, कौन सी वेवलेंथ की इंटेंसिटी कितनी आउट हो रही है, कितनी ट्रांसमिट हो रही है उससे, तो उन्होंने कुछ इस तरह से ग्राफ मिला उनको, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस तरह से आता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ इस तरह से आता है। मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की इतनी इंटेंसिटी से बाहर निकली, और किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी इतनी निकली जब किसी बॉडी को हम हीट करें। समझ में आई आपको बात बच्चों, कि जब हमने किसी बॉडी को हीट दी, उसने कुछ वेवलेंथ को तो बाहर निकाल दिया, कुछ को उसने ट्रांसमिट कर दिया, कुछ को रिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ली, जो ट्रांसमिट आउट हुई, जो बाहर निकली, जो रेडिएशन बाहर निकली, उनका अगर इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा में हम ग्राफ स्टडी किया साइंटिस्ट ने, कि कौन सी वेवलेंथ की कितनी इंटेंसिटी पे निकल रही है, तो वो कुछ इस तरह से ग्राफ है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं लैम्डा मैक्स। ठीक है बच्चों, लैम्डा मैक्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, धीरे धीरे जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही थी तो इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मैक्सिमम वेवलेंथ की इंटेंसिटी आई, उसके बाद वो इंटेंसिटी कम होती गई, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती गई वैसे वैसे कम होती गई, मतलब पहले वेवलेंथ बढ़ने पर इंटेंसिटी बढ़ी, उसके बाद कम होगी। ठीक है,
और जैसे ही अगर हम इसको और हीट दे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे भी ग्राफ कुछ इस तरह से ही आता है, पर उस केस में क्या होता है कि जो लैम्डा मैक्स है, जो लैम्डा मैक्स है हाईएस्ट इंटेंसिटी वाली जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ चली जाती है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ चली जाती है। ये साइंटिस्ट ने स्टडी किया। इसको अगर मैं सिंपल एग्जांपल से समझाऊं आपको, तो जैसे रॉड को हम हीट करते हैं, रॉड को जब हम हीट करते हैं पहले कौन सा कलर आता है, पहले वो रेड देना शुरू करती है और धीरे धीरे रेड के बाद ब्लू की तरफ जाती है। तो विबग्योर की बात करूं अगर मैं, विबग्योर की, तो पहले सबसे ज्यादा रेड कलर दिखता है, रेड कलर हाईएस्ट इंटेंसिटी पे आया, ठीक है, हाईएस्ट इंटेंसिटी पे आया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इसको हीट बढ़ी, वेवलेंथ कम हुई, कम होते हुए ब्लू की तरफ वो बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टडी की कि कोई नॉर्मल बॉडी जो होती है वो इस तरह से बिहेव करती है, उसकी जो इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा है वो इस तरह से बिहेव करता है, पहले वेवलेंथ बढ़ने के साथ इंटेंसिटी बढ़ेगी, उसका वेवलेंथ बढ़ने के बाद इंटेंसिटी कम होगी, ये साइंटिस्ट ने स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया ब्लैक बॉडी का, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया ब्लैक बॉडी का, ब्लैक बॉडी का एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी वो चीज होती है कि जो सारी की सारी रेडिएशन, अगर कोई भी हीट रेडिएशन उसको दे रहे हो, सब सारी की सारी को अब्सॉर्ब कर लेगी और सारी की सारी को बाहर निकाल देगी, ठीक है। इस बॉडी को उन्होंने कहा कि वो कुछ भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती है, वो सारी की सारी जो भी इसको रेडिएशन दे रहे सबको अब्सॉर्ब कर लेती है और परफेक्ट एमिटर होती है, सब कुछ जो आएगा सब कुछ छोड़ देगी, ठीक है। तो इन्होंने एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया ब्लैक बॉडी का, और इसके स्टडी के बेसिस पर उन्होंने कहा कि अगर कोई ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट करती हो, अगर कोई ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट करती हो तो उसका आई बाय लैम्डा जो है वो इस तरह से आना चाहिए, उसका इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा जो है वो इस तरह से आना चाहिए, मतलब क्या, आई शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये आना चाहिए। जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जानी चाहिए, है ये उन्होंने थ्योरेटिकल बात कही कि जब उन्होंने थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट किया, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन की, तो उन्होंने कहा कि आई बाय लैम्डा इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। पर जब वो एक्सपेरिमेंटली ये चीज देख रहे थे तो तब भी उन्होंने देखा कि जो ब्लैक बॉडी का आई बाय लैम्डा है, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का जो ग्राफ है ब्लैक बॉडी का, वो भी सेम नॉर्मल बॉडी की तरह ही आ रहा है, सेम इस तरह से ही आ रहा है। तो अगर वेव नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का तो आना इस तरह से चाहिए था, पर अब वो इस तरह से ही रहा है। यहां पे साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए कि यहां पे ये चीज क्यों हुई, यहां ये चीज कंफ्यूजन का उनका रीजन बना कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर है तो ये ग्राफ इस तरह से आना चाहिए, पर इसी तरह से रहा है, तो ये दिक्कत कहां आ रही है। अगर वेव नेचर मान के चल रहे तो दिक्कत कहां आ रही है, इस चीज को समझने के लिए कैसे समझेंगे किस चीज को। फिर धीरे धीरे एक और साइंटिस्ट हमारे पास आए, चलिए उन्होंने फिर क्या कहा, इस चीज को उन्होंने कैसे रिजोल्व किया, उस चीज को अगर हम देखते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमारे पास एक साइंटिस्ट आए मैक्स प्लैंक, 1900 में उन्होंने कहा कि जब तक आप लाइट को वेव मानते रहेंगे, लाइट को कॉन्टिन्यूस वेव मानते रहेंगे, तब तक आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते, उसको सुलझा नहीं सकते, उसका आई बाय लैम्डा का ग्राफ आपको वैसा ही मिलेगा, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। उस चीज के लिए उन्होंने कहा कि हमें लाइट को एक वेव की जगह नहीं मानते हुए हम उसे पार्टिकल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, तब हम उस कंसेप्ट को मान सकते हैं, तब हम उस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पहली चीज कही कि लाइट जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं, बल्कि लाइट जो है वो एक डिस्क्रीट पैकेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट जो भी है वो डिस्क्रीट पैकेट में एनर्जी रिलीज करती है, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी है, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी है, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, और हर एक पैकेट को उन्होंने नाम दिया क्वांटम, क्वांटम, हर एक पैकेट को उन्होंने नाम दिया क्वांटम, प्लूरल में क्वांटा, ठीक है। इसको अगर मैं विजुलाइज आपको करना है, इसको अगर आपने समझना है, विजुलाइज करना है, तो किस तरह से कह सकते हैं इसको, हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम लाइट किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव मानते हैं तो वेव में इस तरह से सपोज 100 नैनोमीटर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है 100 नैनोमीटर की, अगर हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है लाइट किसी भी चीज को अगर हम वेव मानते हैं तो वो इस तरह से होगी, ठीक है। पर उस प्लैंक का कहना था, प्लैंक का कहना था कि वो ऐसा नहीं होता, प्लैंक का कहना था कि 100 नैनोमीटर की रेडिएशन का मतलब है कि उसके अंदर पैकेट होंगे, ये पैकेट होंगे, ये पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव की फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती, ये
पैकेट के फॉर्म में है, ये वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, पैकेट है, वो इस तरह से है। और एक पैकेट को उसने नाम दिया क्वांटम, एक पैकेट को उसने नाम दिया क्वांटम और सबको मिला के क्वांटा। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस तरह से होती है, ना कि इस तरह से। जब उसने इस तरह से क्वांटम मानना शुरू किया, डिस्क्रीट पैकेट मानना शुरू किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का आई बाई लैम्डा है वो एग्जैक्टली वैसा ही आया जैसा आना चाहिए था, जैसा आ रहा था वैसा ही आया। तो ये बात उसने यहां से एस्टैब्लिश की और उसने कहा कि हर पैकेट की जो एनर्जी है, हर क्वांटम की जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी फ्रीक्वेंसी के, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी फ्रीक्वेंसी के। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसने दिया प्लैंक्स कांस्टेंट, ई इज इक्वल टू एच म्यू का कांसेप्ट दिया हमें मैक्स प्लैंक ने, कि हर एक क्वांटा की जो एनर्जी है वो ई इक्वल टू एच म्यू है। एच की वैल्यू है हमारे पास 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। ठीक है, ये बात क्लियर, ये कांस्टेंट है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। तो यहां तक बात क्लियर बच्चों। अब इस चीज पे आने के बाद अब साइंटिस्ट को समझ आएगा कि लाइट को हम सिर्फ ना वेव मान सकते हैं, ना लाइट को हम सिर्फ पार्टिकल मान सकते हैं, क्वांटम नहीं मान सकते, पार्टिकल में नहीं मान सकते उसको, ना पूरी तरह पार्टिकल मान सकते हैं ना वेव मान सकते हैं, क्योंकि कुछ फिनोमिनन ऐसे हैं जो उसका वेव नेचर पे चलते हैं। कुछ फिनोमिनन जैसे ब्लैक बॉडी हो गया, आगे फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, आगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, वो पार्टिकल नेचर पे चलते हैं। तो यहां से कंसेप्ट आया हमारे पास ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो ड्यूअल नेचर की होती है। और ये हम चीज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेशन में होता है तो वो निकालता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, तो जब भी वो सर्कुलर मूवमेंट में होगा, एक्सेलरेशन में होगा, तो वो निकालेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए, एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी था। इसलिए ये स्टडी नील बोर ने ये चीजें पढ़ी। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर। ठीक है, हमने अभी तक हमने वेव नेचर देख लिया और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वजह से जो पार्टिकल नेचर होता है वो हमने स्टडी कर लिया। पार्टिकल नेचर से मैक्स प्लैंक ने हमें क्या दिया, ई इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल नेचर के ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।